नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को 1-3 से हराकर ऑस्ट्रेलिया बना चैंपियन। भारत को रजत पदक से करना पड़ा संतोष, प्रधानमंत्री मोदी ने दी भारतीय टीम को बधाई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के नए चेयरमैन बने भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान। दो बार भाजपा से सांसद रह चुके हैं चौहान। नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अदा किया शुक्रिया। ईडर के गोल से इटली यूरो 2016 के अंतिम आठ में पहुंचा। रोमांचक मुकाबले में स्वीडन को 1-0 से हराया। 88वें मिनट में सिमोन जाजा के हेडर पर दौड़ते हुए शॉट लगाकर ईडर ने मैच जिताऊ गोल किया। वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने आज मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। जिम्बाब्वे से पहला मैच आज। इस सीरीज में क्लीन स्वीप के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच जाएगा भारत। और विराट ने मुंबई के समंदर किनारे खरीदा 34 करोड़ का सुपर लग्जरी फ्लैट। विराट से पहले इस अपार्टमेंट में युवराज सिंह ने भी बनाया है अपना आशियाना। विराट कोहली को 2018 में ये अपार्टमेंट होगा डिलीवर। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।